हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि हम अपने आप अपने लैपटॉप में शेयरइट कैसे आप डाउनलोड करेंगे और कैसे इंस्टॉल करेंगे। आपको पता है कि शेयरइट बहुत ही पॉपुलर ऐप्स है, बहुत ही पॉपुलर एप्लीकेशंस है, जिसके थ्रू आप कोई भी चीज़ें, वीडियोस, आपके इमेजेस, आपके फोटो, जो भी आपके फाइल्स है, कुछ भी आप शेयर कर सकते हैं इसके थ्रू, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, चाहे आपका लैपटॉप में कर सकते हैं अपने मोबाइल से, या मोबाइल से या लैपटॉप से मोबाइल में कर सकते हैं आप, या फिर एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में आप शेयर कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीजें जानना जरूरी होगा, क्योंकि यदि आपके पास लैपटॉप है और आपके मोबाइल में कोई ऐसा चीज है जो कि आप उसे लैपटॉप में डालना चाहते हैं, तो आप और भी प्रोसेस है, लेकिन वो आपका बहुत ही स्लो काम करता है, प्रोसेस बहुत ही स्लो, लेकिन शेयरइट आपको पता कितना फास्ट वर्क करता है। किसी भी कितना भी MB डाटा हो, वो आप फास्टली ट्रांसफर हो जाता है, जो कि ये हॉटस्पॉट पे वर्क करता है आपका। ये ब्लूटूथ के थ्रू करते हैं तो बहुत ही टाइम लगता है इसमें। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि शेयरइट को अपने लैपटॉप में या PC में, आपको एंड्रॉयड मोबाइल या विंडो मोबाइल पे आपको आसानी से इंस्टॉल हो जाता है, जो कि APK फाइल आप गूगल प्ले स्टोर से, या फिर जो भी आपका विंडो मोबाइल है तो विंडो स्टोर से आप उसे डाउनलोड कर लेते हैं। लेकिन लैपटॉप में इंस्टॉलेशन या आपके डेस्कटॉप में इंस्टॉल करके आप अपने मोबाइल से कैसे ट्रांसफर करें, तो दोस्तों आइए देखते हैं। इस चैनल में IT प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में आपको जो भी IT से रिलेटेड ट्रिक्स है वो आपको बताया जाता है। आई होप कि आप लोगों को ये हेल्पफुल रहा होगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको गूगल ओपन करना है। और देखिए, गूगल पे में जो आपको डालना है वेबसाइट, वो pc.ucre.com। मैं आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक डाल दूंगा, आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। क्लिक करेंगे, आपका ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ देखिए ऑप्शन आ रहा है, डाउनलोड शेयरइट फॉर विंडोज PC। ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है शेयरइट का, जहाँ से कि आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि मैंने यहाँ से शेयरइट डाउनलोड कर लिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, शेयरइट जो है ये मेरे सिस्टम पे डाउनलोड हो गया। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये डाउनलोड दिखाएगा, और ये 9 MB का कुछ फाइल है जो कि ये डाउनलोड हो चुका है मेरा। आपको मैं दिखाता हूँ, 9396। ठीक है, मैंने ये डाउनलोड कर लिया है शेयरइट को। अब मैं इसे इंस्टॉल करता हूँ, और ये आपको मैं प्रूफ भी, एग्जाम्पल भी दूंगा कि ट्रांसफर हो रहा है या नहीं डाटा। मैं इसे इंस्टॉल करता हूँ अपने लैपटॉप में। इंस्टॉल कर रहा हूँ मैं, देखिए अभी थोड़ा समय लगा क्योंकि मैंने एज ए एडमिनिस्ट्रेटर किया है इंस्टॉलेशन, तो वो कंफर्मेशन देना होगा मुझे, एडमिनिस्ट्रेट परमिशन देना होगा उस चीज के लिए। देखिए मैंने इसे परमिशन दिया, पब्लिशर ये लेनवो का शेयरइट है, जो शेयरइट है ये एक लेनवो की तरफ से दिया गया, जो कि एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है। इसको किसी भी एप्लीकेशन पे ये कंपेटेबल है, किसी भी चीज पे ये इंस्टॉल हो जाता है, चाहे वो आपका विंडो हो, चाहे आपका वो। देखिए ये हमारा पास ये आ गया, लेनोवो सर्विस सेटअप इज रिक्वेस्ट। मैं इसको यहाँ से यश कर रहा हूँ, देखिए सेटअप फाइल आ जाएगा मेरे पास, सेटअप फाइल आ गया शेयरइट का। वेलकम टू द शेयरइट विजार्ड, आप यहाँ पे इसको नेक्स्ट कीजिएगा, आई एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट कर दीजिएगा आप इसे। ठीक है, जो भी इसके टर्म एंड कंडीशन से एक्सेप्ट करने के बाद, जो आपका फाइल लोकेशन कहाँ पे आप इसे सेव करके रखना चाहते हैं, जो आपका इंस्टॉलेशन फाइल होगा, वो बेसिकली जो होता है वो सी ड्राइव में होता है, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, जो भी आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, ये इंस्टॉलेशन के लिए प्रोसेस में है। सिस्टम यहाँ पे थोड़ा सा समय लगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आपने IT प्रोग्रामिंग वर्ल्ड YouTube को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके जो नेक्स्ट वीडियो यदि आएंगे तो आपको उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आता रहेगा। देखिए इंस्टॉलेशन इजी प्लस SDK। देखिए मैंने शेयरइट इंस्टॉल कर लिया अपने लैपटॉप में, अब मैं इसे फिनिश कर रहा हूँ, कंप्लीट हो गया है। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, शेयरइट इंस्टॉल हो गया, देखिए ऑटोमेटिक जैसे इंस्टॉल होगा तो ये ऑटोमेटिक विंडोज फोन, iOS एंड एंड्रॉयड, ठीक है, इन सब पे ये
अप्लीकेबल है ये कुछ इसके फीचर्स जो आपको यहाँ से देख सकते हैं। इसको सेंडर रिसीवर दो ऑप्शन आते हैं इसमें। आपको यदि आपको कोई चीज सेंड करना है इसमें तो आप सेंडर पे क्लिक करेंगे, यदि आपका फ्रेंड को चाहिए वो जो आप सेंड कर रहे हैं तो उनको रिसीवर पे क्लिक करना होता है। देखिए अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने इसको सेव कर दिया। यहाँ पे आपको अपना नाम डालना होता है, जो भी शेरिट का नाम होता है, श्री कृष्णा। और ये लोगो जो होता है ये आपका एक तरह का इमेज हो गया, प्रोफाइल फोटो की तरह शेरिट पे। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो चीजें मैं यहाँ से सेंड कर रहा हूँ अपने सिस्टम से, मैं सेंड कर रहा हूँ अपने मोबाइल में। अब ये इमेज है दोस्तों, मैं सेंड कर रहा हूं इसे, मैंने इसे सेलेक्ट किया, इमेज आया। अब मैं इसे नेक्स्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसे नेक्स्ट किया और जो मोबाइल है उस मोबाइल में मैं अब शेयरइट ओपन करता हूँ। जो मेरे पास मोबाइल है उसमें मैंने शेयरइट ओपन किया है। और मैंने यहाँ पे रिसीव किया है। मेरा मोबाइल का आ गया यहाँ पे। अब इस पे क्लिक कर दीजिए और फाइल ट्रांसफर हो रहा है। देखिए मेरे लैपटॉप से मेरे मोबाइल फोटो आ गया मेरे पास, ये सेंड हो गया। यदि आपका ये कंप्लीट हो जाता तो आप इसे फिनिश कर दीजिए। और मेरे पास ये फोटो आ चुका है मेरे मोबाइल में। तो दोस्तों आज आपने देखा कि शेयरइट से हम कैसे को अपने लैपटॉप में कैसे इंस्टॉल करेंगे और उसे हम फाइल ट्रांसफर कैसे करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। तो आप सिर्फ कैसे हेल्पफुल लगा होगा तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के रिगार्डिंग इसी तरह आप हमारे एटी प्रोग्रामिंग वर्ल्ड से जुड़े रहें और आपको नए नए ट्रिक्स और नए नए वीडियोज के बारे में, आप नए नए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पता चलता रहेगा। यदि आपके कोई फीडबैक है तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं इसका लिंक आप सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, फिर आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून विद कृष्णा राजपूत।